हाय बच्चों, आज का जो डिफरेंस है वो है गिव और प्रोवाइड। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था ये टॉपिक। तो बच्चों, गिव और प्रोवाइड दोनों का ही मतलब है देना, ठीक है, वेरी सिंपल, देना। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो फिर मैं ये फर्क क्यों लेके आई हूँ, क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, फर्क तो है, बहुत ही हल्का माइनर सा फर्क है। देखिए, ये जो गिव है, देना, ये सिंपल वे में आप यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स कुछ भी चीज आप दे दो, सिंपली हैंड ओवर कर दो, ठीक है, सिंपल हैंड ओवर करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, वाओ, यू गिव मी सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिव लिखा है क्योंकि ये इसकी सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, ओके। तो सेकंड फॉर्म यहाँ लगी है। सेंटेंस को देखते ही आपको पहचानना आना चाहिए कि वो कौन सा फॉर्म का सेंटेंस है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, जो इंग्लिश पेपर देते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, इस फॉर्म में ये सब एरर्स आते हैं। तो जब आपको पहले से ही मतलब क्लियर रहेगा, तो आप गलत काम करके ही नहीं आओगे वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास भी देती हूँ, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। So you gave me such a beautiful dress. तुमने मुझे कितनी प्यारी ड्रेस दी है, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, सिंपली देना, हैंड ओवर करना, ठीक है। आपने कहा प्लीज गिव मी माय पेन, मुझे मेरा पेन वापस दो, मांग लिया ना आपने अपना पेन, ठीक है, उन्होंने भी उठा कर दे दिया। प्लीज गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी मतलब क्या, मुझे ये दो, ठीक है। तो इस गिव का मतलब तो सिंपली देना ही होता है। अब आ जाते हैं इस प्रोवाइड में, इसका मतलब भी है देना, पर किस टाइप से देना? तो वेरी सिंपल, कोई टेक्निकल भाषा में मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, ऐसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि बस आपके दिमाग में घुस जाए, जो डिलीट ही ना हो लाइफ टाइम। तो उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना या फिर मुहैया कराना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है जो उस टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं है, अब आपको वो चीज किस कैसे भी करके वहां पे अवेलेबल करानी है, ठीक है। Means make available for use. Okay. ठीक है, पहले इसका भी आप एग्जांपल देखिए, उसके बाद आपको और क्लियर होगा दोनों में क्या फर्क है। मैंने लिखा, These gloves provide a much appreciated service for this area. ठीक है? अब आप सोचो कि आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ सकते, जहाँ पे खाने पीने की डिलीवरी नहीं आ सकती। तो आप किसी एक ऐसी जगह रहते हो बीहड़ टाइप, ओके। अब ऐसे ही किसी एक जगह पे किसी एक बड़े आदमी ने, एक बड़े इंडस्ट्री ने कोई एक क्लब खोल दिया। क्या खोल दिया? क्लब। अब जब क्लब खोला है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल होंगी, गार्डन भी बनेगा, क्लब में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी होंगी, खाने पीने की, ड्रिंक की, ठीक है, हर आइटम रहेगा वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए। सो दीज क्लब्स प्रोवाइड अ मच अप्रिशिएटेड सर्विस फॉर दिस एरिया, यानी कि यहाँ पे जो क्लब है ये हमारे एरिया में एक बहुत अप्रिशिएटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले तो इस एरिया में क्लब थे ही नहीं, इस टाइप की कोई सर्विस ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि रीच नहीं थी, नेटवर्क नहीं था। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, या जिनको क्लब खोलना था उन्होंने क्या किया, इस टाइप की चीजें उपलब्ध करवाई कि वहां पे क्लब खोला जा सके, क्लब को बनाया जा सके, या फिर मॉल बना दो, ठीक है। तो प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना, ओके। अब एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए गिव और प्रोवाइड का, एक ही सेंटेंस में मैं आपको दोनों चीजें यूज करके दिखाऊंगी, ठीक है। जब एक ही सेंटेंस में मैं दोनों चीजें यूज करके दिखाऊंगी तो आपका ये डाउट और क्लियर होगा, ठीक है। मैंने लिखा, प्लीज प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? वेरी सिंपल, कि भाई मरीज को मेडिसिन दे दो। प्रोवाइड का मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे, दे दो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पेशेंट का जो रूम है ना, इस पेशेंट का जो कमरा है वहां पे दवाइयां खत्म हो गई हैं, और आप कहीं से भी लाओ लेकिन इस पेशेंट की दवाइयां यहाँ पे उपलब्ध कराओ, ठीक है। दवाइयां यहाँ खत्म हो चुकी है और नई दवाइयां लेके आओ। तो
तो फिर दवाई लेने के लिए मार्केट जाना होगा या डिस्पेंसरी जाना होगा, वहां से खरीद कर ही तो इसके रूम में अवेलेबल हो पाएंगी दवाइयाँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट, कि भाई दवाई खत्म हो गई है, जाओ जाके और लेके आओ, तब जाके इसको ये अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया मैंने, प्लीज गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। अब मैंने प्रोवाइड हटा के गिव लगा दिया, अब क्या मतलब निकल रहा है इसका, कि भाई मरीज को दवाई दे दो, ठीक है, यानी कि दवाई तो ऑलरेडी है इसके रूम में, ठीक है, लेकिन ये खुद उठ के ले ही नहीं सकता, नर्स की जरूरत है इसको, तो नर्स क्या करेगी, इसकी दवाइयां लेगी और इसको टाइम से देती रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंस है इन दोनों में, गिव का मतलब है सिंपली देना, हैंड ओवर करना एक दूसरे को, और प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, ठीक है। अगर पेशेंट के कमरे में ऑलरेडी दवाई है तो नर्स उसे दे रही है, टाइम से दे रही है, गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। अब इसकी अगर दवाइयां खत्म हो गई तो किसी ना किसी को तो जाके लानी होगी ना बाहर से, यानी कि कुछ टाइम के लिए इसको दवाइयां नहीं मिल पाएंगी, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट, भैया कहीं से भी जाओ और इसको पेशेंट को दवाइयां उपलब्ध कराओ, दवाइयां दो इसको, ठीक है। तो ये तो था डिफरेंस, बट मोस्ट कॉमनली क्या होता है आजकल इस इंग्लिश बोलते टाइम लोग गिव भी यूज कर लेते हैं, प्रोवाइड भी यूज कर लेते हैं, राइट। आम बोलचाल की भाषा में दोनों वर्ड्स का यूज हो जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता रहने चाहिए। और भी डिफरेंसेस बना रखे हैं मैंने, टाइटल पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। और भी कोई वर्ड्स आप चाहते हो मैं आपके डिफरेंस लेके आऊं, तो आप वो वर्ड्स कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी ये जो चार टॉपिक्स हैं इनमें मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, यूपीएससी और स्पोकन इंग्लिश की। अगर आप इनमें से कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फीस स्ट्रक्चर के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे चैनल पे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।